रीवा जिले का नईगढ़ी थाना इन दिनों अपने कारनामों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। नईगढ़ी की महिला थाना प्रभारी मिथिलेश यादव एवं नईगढ़ी पुलिस स्टाफ का आतंक छाया हुआ है। एक तरफ पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा पुलिस एवं जनता के बीच में जन संवाद के माध्यम से समन्वय बनाए रखने के लिए भले ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही हों, पर दूसरी ओर थाने में बैठे स्टारधारी एवं पुलिस स्टाफ अपने निजी स्वार्थ को लेकर किस हद तक जा सकते हैं, जिसकी बानगी आपको रीवा जिले के नईगढ़ी थाने में देखने को मिल जाएगी। दरअसल मामला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरा निवासी 17 वर्षीय छात्र मोहित साकेत पिता दिलराज साकेत का है, जिसने रीवा पहुंचकर पुलिस कप्तान के कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि नईगढ़ी थाना की रामपुर चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी माने खान द्वारा नईगढ़ी थाना प्रभारी के इशारे पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वहीं रामपुर चौकी में पदस्थ माने खान द्वारा छात्र से मोबाइल के सिम की मांग की गई, लेकिन जब छात्र मोहित साकेत ने सिम देने से इनकार कर दिया तो उसके साथ पुलिसकर्मी माने खान द्वारा लॉकअप के अंदर बंद कर जमकर मारपीट की गई और 2 घंटे तक मुर्गा बनाकर रखा गया। आइए आपको सुनाते हैं छात्र की जुबानी की किस तरह से रक्षक भक्षक बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। क्या नाम है? मोहित साकेत। आज आप SP कार्यालय है, क्या शिकायत लेकर आए? सर, शिकायत ले गए नईगढ़ी थाने में, जिनके अंतर्गत पुलिस रामपुर चौकी आती है। और सर, वहाँ हमारी रिपोर्ट, हम शिकायत मतलब FIR दर्ज, जमीनी विवाद बहुत दिन से चल रहा था प्रकरण, तो फिर वो उसमें हमारी नाम मुकदमा कायम कराने 2-3 बार फर्जी FIR दर्ज करा चुके थे, फिर जिसके कारण 14/7/2022 को हमने FIR दर्ज कराया तो लिखे हैं, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। फिर मजबूरन मुझे CM हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ा। जब CM हेल्पलाइन में मैं शिकायत किया तो फिर वहाँ कार्यवाही मेरी फिर भी नहीं सुनी जा रही थी। फिर बुलाया मुझे नईगढ़ी थाने में, तो बोले कि सिम दे दो, तो हम बोले सर कि सिम नहीं है हमारे पास, हमारा फ़ोन गुम गया है। तो फिर मतलब हमें पुलिस चौकी थाना नईगढ़ी से पुलिस चौकी बुलाया गया, और माने खान सर मुझे मुंशी को भेजे थे, और माने खान सर ले जाके थाने में मुझे 2 घंटे मुर्गे बनाए रखे और उसमें 1.5 घंटे मेरी पिटाई की है, और 8 घंटे मुझे जेल में रखे थे पुलिस चौकी में। और मारपीट क्यों की है पुलिस वाले आपके? उनको सिम नहीं दे रहे थे, CM हेल्पलाइन शिकायत किए थे, तो मांग रहे थे, तो मैं सिम शिकायत बंद करवाने के लिए तो मैं नहीं दिया सिम। इन्होंने मारपीट की है? माने खान सर और 3 लोग थे और मारपीट की है। पुलिस वाले नईगढ़ी थाने के हैं, तो 3 लोग मुंशी साहब माने खान सर चौकी में रहते हैं, 3 लोग थाने के हैं, 2 लोग साथ में गए थे, 2 लोग चप्पल से और हाथ से और गाली भी दे रहे थे। उसकी शिकायत अभी SP ऑफिस में आपने की है? जी सर। क्या आश्वासन मिला है? सर फोन लगा, SP सर फोन लगाए थे नईगढ़ी थाने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित साकेत है।